दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम हरियाणा पुलिस डायल 112 का सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर जो है दोस्तों आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भाई इसमें किस आधार पर जो है कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जा रहा है, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को पास जो मैसेज भेजे जा रहे हैं वो किस प्रकार से सिलेक्ट किए जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप जरूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, वीडियो को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो भाई हरियाणा पुलिस डायल 112 की जो भर्ती है इसमें फ़िलहाल 4 डिस्ट्रिक्ट के जो हैं उनमें जो है इसके लिए जो ऑफर लेटर जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल बाकी डिस्ट्रिक्ट के जल्द ही जो है लगभग हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर अंदर सभी के जो हैं जो ऑफर लेटर जारी कर दिए जाएंगे और लगभग कैंडिडेट ने तो जो है जहाँ पर इनकी पोस्टिंग वहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी अपने जमा करवा दिए हैं। भाई आपके कमेंट इसलिए आ रहे थे कि भाई जो डायल 112 है हमारा जो ऑफर लेटर आने के बाद क्या हम इस नौकरी को पक्का समझें या फिर नहीं। पहली बात तो ये है दोस्तों, पक्का जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं वो मैं समझ चुका हूँ आपकी बात कि भाई आप ये तो पता है आपको भी कि भाई ये कच्ची भर्तियाँ हैं, इनको आपको परमानेंट नहीं रखा जाएगा, केवल 1 या 1.5 साल के लिए ही आपको इसमें रखा जाएगा। और आपके जो जॉब ऑफर लेटर हैं उनमें भी इसकी जानकारी दी गई है कि भाई आपको केवल और केवल 1 साल के लिए ही रखा जा रहा है। तो भाई पक्का ये इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि अभी तक इसमें 3 गुना कैंडिडेट के पास जो है 3 या 4 गुना कैंडिडेट के पास ये जो है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के पास मैसेज भेजे जाएंगे। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका जो है ये ड्राइविंग टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद जो है जहाँ पर जितने कैंडिडेट की आवश्यकता थी जो आपने वो लिस्ट देखी होगी भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें बताया गया था कि भाई चरखी दादरी में कितने, भिवानी में कितने हैं, इस प्रकार से जो लिस्ट में आपने डाटा देखा था उसी आधार पर जो है उन कैंडिडेट को वहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। और इसमें टोटल जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के पास जो मैसेज भेजे जा रहे हैं उसमें आपके 150 अंक बनते हैं। इसमें आपकी सबसे ज़्यादा जो मेन बात तो है भाई आपकी जो सालाना आय है, जो आपकी फैमिली आईडी में जो सालाना आय है आपकी इनकम को लेकर ही पूरा का पूरा मामला टिका हुआ है ये। अगर आपके 1,80,000 से कम है तो इसमें इस प्रकार से आपको 50, 40, 30, 20, 10 अंक इस प्रकार से मिलते हैं। बाकी आपकी क्वालिफिकेशन को हो जाते हैं कुछ अंक और कुछ आपके जो एक्सपीरियंस जो अगर आपने लगाया है तो उस कुछ अंक आपको एक्सपीरियंस के मिलते हैं और आपके जो एज है एज को लेकर भी दोस्तों इसमें अंक जो हैं वो दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें होने वाला है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर करें।